हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, भारतीय संविधान की जीके की ये वीडियो रहने वाली है। सारे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उसमें एक प्रश्न इसे ज़रूर पूछा जाता है। चाहे रेलवे हो, SSC हो, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें हम लोग 84 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेन पेपर ज़रूर ले लें और नीचे अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने 84 में कितना स्कोर करा। बिल्कुल ईमानदारी से आप चेक करना। अगर आपका स्कोर 50+ है तो आपको इसे दूसरी बार देख लेनी चाहिए, फिर से एक बार देख लेनी चाहिए और क्वेश्चन को तो ज़रूर लिख लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की गई थी संविधान सभा की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए, अस्थायी सदस्य के बारे में जब भी बात आए तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रारूप समिति यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य जो थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो अस्थाई अध्यक्ष की जब भी बात होगी राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष की बात होगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था। तो बताना है आपको कि ये कब पारित कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को। देखिए, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन इसे पारित जो है 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, जब भी आप इस तरह के वीडियोस को देखते हो तो कोशिश करिए कि आप अपना जो है नेट जो है ऑफ करके डाउनलोड करके देखें, ताकि डिस्टर्बेंस ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गई थी। अभी मैंने बताया आपको ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, भारत कब गणतंत्र बना। याद रखिए, कब जो है ये रिपब्लिक भारत बन गया, रिपब्लिक भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया हमारे देश में और हम लोग रिपब्लिक बन गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, याद रखिएगा, इसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट का सोल, आत्मा कहा गया है, वो राइट आंसर है आपका। इसकी प्रस्तावना को, इसके क्या कहा गया है, सोल कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। तो देखिए, इसे जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, इंडिया का जो नेशनल एंथम है, उसे स्वीकार किया गया था। नीचे आप लोगों से उम्मीद की जाएगी कि आप राष्ट्रगान किसे कहा जाता है, जनगणमन को या वंदे मातरम को। नीचे कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, वो कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। हम लोगों को 6 राइट्स मिले हुए हैं, मूल अधिकार हैं, और इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा जब भी इस पर आँच आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। याद रखिएगा, इसे हटाया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 44A के द्वारा इसे हटा दिया गया है संविधान संशोधन करके। राइट टू प्रॉपर्टी आपका अधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मूल अधिकारों का संरक्षक, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मूल अधिकारों पे कभी भी आँच आएगी तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर क्या करेगा, कदम उठाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फंडामेंटल राइट के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ही देखता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आपको सिर्फ अनुच्छेद का आर्टिकल का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21A, यानी कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में निहित है, यानी कि बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संविधान का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 40 राज्यों को क्या निर्देश देता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि उसे ग्राम पंचायतों का संगठन करना होगा। देखिएगा इसे गाँवों की सरकार कहा जाता है, इलेक्शन भी कराए जाते हैं समय समय पर, आप भी वोट देने के लिए जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। हम लोगों ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है रसिया से एक्वायर किया है, रूस से, देखिए रूस से हम लोगों ने इसे लिया है, रूस के संविधान से हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो कुल संख्या है वो है 11, और फंडामेंटल राइट की कुल संख्या कितनी है वो है 6। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? बात किसकी हो रही है, मूल कर्तव्यों की। तो देखिए मूल कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति ने इसे प्रपोज किया था और उनके अनुशंसा पर इसे शामिल कर लिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन पेपर पे नोट करते जाइए सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, जिसे भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए राष्ट्रपति से सवाल से क्वेश्चन याद आया, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको संसद के दोनों सदस्य यानी कि लोकसभा राज्यसभा ये भी शामिल होंगे, तीसरा जो होगा वो होगा हर एक विधानसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें वोट डालते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी कि उनका टेन्योर जो होता है वो कितने सालों का होता है, इनकी अवधि क्या होती है? तो अवधि के अगर मैं बात करूं तो ये होगा 5 वर्ष। जी हाँ, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका जो राइट आंसर है वो ये दिखेगा कि हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी देखते हैं, एकल संक्रमणीय भी देखते हैं, प्रत्यक्ष मतदान भी देखते हैं, तो सारा आंसर सही होगा। देखिए अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा इतनी भारी हिंदी, एक्चुअली होता क्या है ना कि एमपी का वोट अलग होता है, उसकी कीमत अलग तय की जाती है, एमएलए का वोट अलग होता है। याद रखिएगा ये हर स्टेट और हर जो जिस यूनियन टेरिटरी की में बात की जाए वहाँ पे अलग अलग होता है एक सांसद का मूल्य और एक एमएलए के वोट का मूल्य। याद रखिए ये बिकाऊ नहीं होता, बट इसे मेजर करने का एक तरीका है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो नीलम संजीव रेड्डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितने बार रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए अगर किसी को लगता है कि राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसे हटा देना है, तो किस सदन के द्वारा यह काम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी उनके जो अगेंस्ट में जो है महाभियोग इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा।
भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च यानी कि सेनापति कौन होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, सेनाओं की जो बागडोर होती है वो हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होती है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित होती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं कौन? शामिल हैं, तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोकसभा और राज्यसभा के सब जो है वो डिसाइड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? लिख लीजिए 12 सदस्य, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को ये करते हैं, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के ऊपरी सदन अपर हाउस को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अपर हाउस राज्यसभा को, लोअर हाउस लोकसभा को, देखिए LL से आप याद रख लेना, लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो PM's अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? देखिए, राष्ट्रपति जो है उसे शपथ ग्रहण दिलाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी है? यानी कि कोई अगर मंत्री किसी को बनाया जाए या प्रधानमंत्री बनाया जाए तो कितने दिनों के अंदर उसे जो है संसद का सदस्य बनना जरूरी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 6 महीना के अंदर जो है उन्हें हर हाल में सदस्य बन जाना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, जी हाँ, 552। देखिए ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट लीजिए इसे। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 होगी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 250, आई एम सॉरी, ये 250 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। 250 ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सकती है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो देखिए, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक के रूप में इसे प्रमाणित करता है। B इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? केंद्र सरकार की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महान्यायवादी। करंट महान्यायवादी जो है वो कौन है आपको नीचे कमेंट करके बताना है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा जो एक शासक नियुक्त किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ूंगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी फर्स्ट। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर। भारतीय पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले क्या पूछा गया है? लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में टोटल जो सदस्य को ये नामांकित कर सकते हैं वो है 2, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की बात हो रही है, राज्यसभा में टोटल 12, यानी कि B करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। लोकसभा एवं राज्यसभा में 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, 6 महीना से के अंदर अंदर 2 अधिवेशन कराने पड़ते हैं केंद्र सरकार को। राज्य की कार्यपालिका की प्रमुख कौन होती है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन होती है? तो देखिए, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नहीं हेड होता है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 43।
संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम की बात करें तो 500 से अधिक ये संख्या नहीं जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 6 हैं। देखिए मैं कुछ राज्य के नाम गिना देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में है पहला, अभी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है, और ये आपको बिहार में भी मिलेगा। और नीचे जो 4 राज्य मैंने छोड़ दिए हैं, कमेंट करके आप नीचे बताइए कि किस राज्य में आपको जो है विधान परिषद भी मिलेगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, जो कि ये रहा, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विधानसभा। देखिए अगर केंद्र का मंत्रिमंडल लोकसभा के लिए, तो राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विधानसभा का वर्ष यानी कि असेंबली ईयर में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 कम से कम तो होना ही चाहिए। किस राज्य में विधानसभा की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है। राइट आंसर आपका बी, यूपी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? है नहीं, ये था तो 370 था, जो कि अब हट गया है। एक्चुअली 370 जो है कम्प्लीटली हटाया नहीं गया है, कुछ कुछ चीज़ों को रखा गया, बट आप मोटा मोटी सी से मान लो। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, महामहिम, बी इज द राइट आंसर। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 34 मैक्सिमम हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जो है नियुक्त करता है सारे जजों को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए 65 वर्ष आयु पूरी होने तक वो क्या कर सकते हैं? वो ऑफिस को चेयर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसका राइट आंसर होगा हीरालाल जे कानिया, सी इज द राइट आंसर। सुकुमार सेन जो थे हमारे प्रथम इलेक्शन कमीशन के चीफ थे, मुखिया थे। क्वेश्चन नंबर 55। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 24 हमारे यहाँ उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की सीमा क्या है? तो इसका कार्यकाल क्या होगा? अपने 65 वर्ष तक पूरे होने तक वो क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं अपने पद पर। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि गुवाहाटी का हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा 59। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो देखिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है विचार विमर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है किसी भी बिल वगैरह के बारे में। तो आर्टिकल 145 याद रखिएगा, आर्टिकल 145 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? यूटी के बारे में बात की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं, किसी भी उच्च न्यायालय का अपना उच्च न्यायालय नहीं होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है किस परिस्थितियों में कर सकता है? तो देखिए युद्ध अगर हो जाए तो भी कर सकता है, कोई आक्रमण अटैक हो जाए या विद्रोह हो जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी इन तीनों हालत में वो कर सकते हैं। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट
की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि टोटल 3 बार घोषणा की जा चुकी है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352, याद रखिएगा 352 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आर्टिकल 356 याद रखिएगा, आर्टिकल 356 लग गया तो राज्य सरकार जो है जाएगी गुल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि 66 है ही नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है? याद रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है? तो जैसे इसे किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जा सकता है? 360, यानी कि अनुच्छेद 360 के द्वारा इसे लगाया जा सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? यानी कि फिर से इलेक्शन होना जरूरी है, 6 महीने के अंतर्गत 6 महीना तक ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद चुनाव होना जरूरी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 दिनों के अंदर, 2 महीना के अंदर आपको ये काम कर लेना होगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस शेड्यूल में यानी कि अनुसूची में की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10वें अनुसूची में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। संविधान द्वारा कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिए, पंचायती राज से ये संबंधित होगा। वित्त आयोग के गठन यानी कि फाइनेंशियल कमीशन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिए, ये 280 यानी कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन को आप कर दो इनकरेक्ट, क्योंकि अब नीति आयोग बना दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये होगा 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1952। भाषा के आधार पर गठित राज्य का पहला राज्य का नाम क्या है? तो देखिए, ये राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से अलग होकर ये बना था। तमिल तेलुगु अलग अलग भाषाएं हैं, जिसके कारण आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, क्यों गठित किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती चुनाव किया गया है, यह कहाँ से शुरू हुआ था? राज्य व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागौर से, राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मैंने बताया था आपको, सुकुमार सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, पहले वित्त आयोग का गठन 1961 में किया गया, इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? के सी नियोग इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग ही सब कुछ डिसाइड करेगा। सरकारी जो सरकारी आयोग है, इसका संबंध किससे है आपको बताना है? तो केंद्र और राज्य के संबंधों से इसका संबंध है, एक करेक्ट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं पूछूंगा, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के बारे में है। यह कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपका ना जो भी स्कोर आया है इस 83 क्वेश्चंस में, और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो ये 84 हो गया। आप लोग नीचे अपने स्कोर को ज़रूर लिखें, यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो जय हिंद जरूर लिख दें।
थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। थैंक यू सो मच।